मेरे तमाम साथियों को मेरा सलाम। आज मैं आपको शलजम के बारे में कुछ मालूमात दूंगी और ये भी बताऊंगी कि आप उसे अपने घर में कंटेनर के अंदर किस तरह आसानी के साथ उगा सकते हैं। शलजम या टर्निप, यह जमीन जड़ वाली सब्जी है। मौसम सरमा में शौक से खाया जाता है। इसका जायका मीठा होता है। इसे पकाकर और कच्चा दोनों तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका अचार भी डाला जाता है। एक तहकीक के मुताबिक शलजम जमाने कदीम से इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन के गांवों में पत्थर के जमाने में रहने वाले इंसान के बारे में शवाहिद से साबित है कि वो शलजम इस्तेमाल करते थे। फ्रांस के गांवों में पाई जाने वाली कदीम तस्वीर में भी शलजम बर्तनों में उबलता हुआ दिखाया गया है। शलजम में कार्बोहाइड्रेट, शक्कर, विटामिन बी, फॉस्फोरस, विटामिन के, विटामिन सी, एच, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और दीगर मादनी अज्जा पाए जाते हैं। इसके पत्तों में विटामिन ए पाया जाता है। शलजम की तीन अकसाम हैं, गुलाबी, जर्द और सफेद। शलजम जिस्म को ताकतवर बनाता है, कमजोरी दूर करता है, जिगर को ताकत देता है, कुछ खांसी में मुफीद है, आंखों के लिए फायदेमंद है, खून साफ करता है और नया खून भी पैदा करता है, भूख बढ़ाता है, जल्दी अमराज, गुर्दे की पथरी, नजर की कमजोरी के लिए मुफीद है, जोड़ों के दर्द से निजात दिलाता है। शलजम इस्तेमाल करने वालों को कमर और गर्दन का दर्द नहीं होता। सर्दी की वजह से हाथ और पांव फट जाएं या फिर सोजिश हो जाए तो शलजम का जुशांदा बनाकर इसमें नमक शामिल करके हाथ और पांव धोने से फायदा होता है। इसकी ज्यादती गैस पैदा करती है। इसकी सब्जी में अदरक, काली मिर्च और काला जीरा डालना चाहिए। सर्दियों की आमद से पहले इसकी प्लांटिंग की जाए। मिट्टी में कंपोस्ट मिलाकर इसकी प्लांटिंग करें। इसकी मिट्टी नर्म हो ताकि जमीन के अंदर आसानी से शलजम की ग्रोथ हो सके। 12 से 15 इंच गहरा कंटेनर हो। साये वाली जगहों पर इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। इसे फुल सन में रखना है। बीज लगाकर हर रोज पानी देना है। एक हफ्ते के अंदर बीजों में से पौधे निकल आएंगे। आज हम शलजम की सीडलिंग करेंगे। ये शलजम की सीड्स हैं। इसमें से काफ़ी सीड्स मैं पहले ही यूज़ कर चुकी हूँ। सीडलिंग के लिए हमने पहले ही सिलेशिया वाटर तैयार कर लिया है। एक बोतल पानी और उसमें 5 ड्रॉप सिलेशिया के डाल के अच्छी तरह से मिक्स किया। सीडलिंग के लिए सिलेशिया वाटर तैयार है। मिट्टी के अंदर थोड़ी सी कॉम्पोस्ट यूज़ की है और होम्योपैथिक मेडिसिंस भी मैंने यूज़ की हैं। ये हम सीडलिंग में इस्तेमाल करेंगे। इनको लगाने के लिए थोड़े से फासले से लगाएंगे। एक बीज से एक ही शलजम तैयार होता है। इस तरह से मिक्स भी हो रहे हैं, बाद में सही कर लेंगे। अब इसमें थोड़ी थोड़ी सी कंपोस्ट डालेंगे। ये मिट्टी में मैंने थोड़ी सी कंपोस्ट मिक्स की है, इसमें डालकर शलजम के प्लांट्स बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। पहले भी मैं कई बार कर चुकी हूँ, बहुत इजीली ग्रो है। अब इसमें सिलेशिया वाटर यूज़ करेंगे। देंगे
लेकिन पानी अब सिलेशिया वाटर नहीं देना है, वो बस एक बार सीड्स लगाते हुए देते हैं। इसे ऐसी जगह रखेंगे जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ती हो, थोड़ी धूप भी हो और थोड़ी साया भी हो। तकरीबन 20-22 दिन का रिज़ल्ट है और जब इसमें से जर्मिनेशन स्टार्ट हुई थी तो मैंने इसे धूप में रख दिया था। काफ़ी प्लांट्स तो इसमें से चिड़ियाँ ही खा गई। अब ये जो बचे हैं तो सोचा कि आपके साथ शेयर करूं इसे। ये देखें, ज़्यादा से ज़्यादा धूप में रखना है क्योंकि अगर इसको धूप नहीं लगेगी तो शलजम की ग्रोथ अच्छी नहीं हो सकेगी। तकरीबन 2 महीने बाद शलजम तैयार हो जाएगा, हम इसे पूरा निकाल सकते हैं। इसके लीव्स ऊपर से बड़े हो जाएं तो उन्हें आप निकाल के कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। और तकरीबन 2-2.5 महीने बाद पूरा आप शलजम निकाल लें। जब इसके पत्ते ऊपर काफ़ी तादाद में हो जाएं तो उन्हें काट कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 2 से 2.5 महीने में शलजम तैयार हो जाएगा। मट्टी हटाकर देखें, अगर शलजम का साइज बहुत छोटा हो तो दोबारा लगा दें। ये तो थी शलजम की बातें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।